दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर एक महासंयोग बन रहा है और अगर आप धनवान और खुशहाल बनना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के ये चमत्कारी उपाय आपको पल भर में धनवान बनाकर आपकी सारी तकलीफ और परेशानियां दूर कर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने से तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ, क्या आप जानते हैं तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद? आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, माँ की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी के बीरवह को अवरुद्ध का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के सम्मान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ा देते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ा कर रखनी चाहिए। बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, तुलसी माँ नाराज हो जाती है, आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, उन्हें होती है स्वर्ग की प्राप्ति, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखे। तुलसी माँ होती है क्रोधित, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए।
बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के बाद दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानियां आएंगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। दोस्तों तुलसी को कभी भी गंदी मिट्टी में ना लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी पर घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वह जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है, व्यक्ति को पाप लग जाता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती है, तो तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत होते हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। तुलसी के पौधे को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों होता है घोर अनर्थ, ऐसा पौधा लगाकर नाराज हो जाती है लक्ष्मी। घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करता है। माँ तुलसी होती है क्रोधित, इन पौधों को घर से बाहर रखे। हम आपको शास्त्रों के अनुसार कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटों की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां ना के बराबर हो, ऐसे पौधे को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खासतौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दे। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों के प्रतीक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता हो तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों जिस घर की तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती है तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित और आप कोई भी कार्य करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है।
शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता है और तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वहाँ पर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयं भोग होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंध कोई समस्या नहीं रहती। मृत्युकाल के समय इनके चरणामृत का जल प्रसन्न करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। यह चरणामृत औषधि के समान होता है, जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए, इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रही है तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। शालिग्राम की पूजा करने से अगले पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।